17 नवंबर 2023 से शुरू होने जा रहा है छठ महापर्व का बहुत बड़ा त्यौहार। किस प्रकार से करें पूजन, क्या है इसमें विशेष त्यौहार, चलिए जानते हैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं सनातन धर्म में एक विशेष महापर्व की। वैसे तो यह महापर्व हिंदुस्तान के बिहार राज्य का प्रमुख पर्व है एवं यह उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पूर्वांचल कुछ झारखंडों में भी मनाया जाता है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस महापर्व को एक हठ योग भी कहा जाता है। यह भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी देवी का व्रत है। तेजो राशि जगतपते, जो संपूर्ण विश्व को अपनी किरणों के द्वारा राशि सूर्य प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी मैया का व्रत है। शास्त्रों में मान्यता है इस व्रत की कि यह रामायण काल से चला आ रहा है। भगवान श्री राम, माता सीता जब अयोध्या से वापस लौटे तो उन्होंने आज ही के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन इस व्रत को किया। महाभारत की मान्यता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो द्रौपदी ने इस व्रत को आरंभ किया और पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त हो गया। एवं अनेक कथाओं का वर्णन इस महापर्व से जोड़ता है, इसलिए यह महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला है। तो इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ होती है। 17 नवंबर 2023 को नहाय खाय के दिन प्रारंभ हो जाएगा। 18 नवंबर 2023, 19 नवंबर 2023 एवं 20 नवंबर 2023 को जाकर के यह महापर्व अपना विश्राम होता है। यह महापर्व संतान सुख एवं संतान की कामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि भगवान सूर्य और उनकी बहन षष्ठी मैया इस दिन अपने इस व्रत रखने वाली माताएं बहनें स्त्रियों को मनवांछित फल देने वाली होती हैं। इस महापर्व में ऐसा भी क्रम है कि गंगा आदि नदियों में और कमर तक खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज तक आपने सुना होगा कि उगते सूरज को सभी लोग प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, लेकिन यह एक ऐसा महापर्व है जो कि सूर्य अस्त यानी डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और वह अर्घ भी विशेष पुण्यप्रद लाभकारी होता है। इसलिए आप सभी लोग इस व्रत को जो क्रम है उस प्रकार से रहें और भगवान सूर्य और भगवती षष्ठी मैया की कृपा आप पर वर्षती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।